हेलो माय डियर फ्रेंड्स, खबरी सोल इज हियर। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब की पांच तड़कती फड़कती न्यूज के बारे में। तो बिना कोई फालतू बकवास किए सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, पहली न्यूज एक शॉर्ट वीडियो के बारे में है। दरअसल कल यूट्यूब पर सेलिब्रेटिंग विली निंजा नाम का एक शॉर्ट वीडियो ट्रेंड कर रहा था। उस वीडियो पर ना ही कोई व्यूज थे और ना ही लाइक्स, लेकिन फिर भी वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि उस वीडियो को गूगल के द्वारा गूगल डूडल नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। अब यूट्यूब किसका है? गूगल का। तो बस समझ जाओ कि वो वीडियो क्यों ट्रेंड कर रहा था। समझ रहे हो आप। नंबर टू, अगली न्यूज है कैरी मिनाती के बारे में। दरअसल कल कैरी मिनाती पर लाइव थे, तो उनके किसी फैन ने उनसे पूछा कि कैरी भाई आप बिग बॉस में कब जाओगे। तो इस पर कैरी भाई ने क्या रिप्लाई दिया वो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन लीजिए। सच बता तू बिग बॉस कब जाने वाला है? इट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बिग बॉस जाना, बिग बॉस का ऑडियंस पाना, फिर मेरा कंटेंट क्या है उनको ना समझ आना, काफी सही प्लान। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नंबर थ्री, अगली न्यूज है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो यूट्यूब पर मोटो व्लॉगिंग करते हैं। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। अब वो क्यों इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब UK07 राइडर ने अपना यूट्यूब करियर शुरू किया था, तब उनके पास जो बाइक थी उन्होंने उसी बाइक को फिर से खरीदा है। तो जब अपने बाबू भैया उस बाइक की डिलीवरी लेने के लिए गए, तो उस बाइक को देखकर उनको अपने स्ट्रगल वाले दिन याद आ गए। तो बस इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गए, जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। बहुत मुश्किल जर्नी रही है 4 सालों की मेरे लिए। आई नो आई बीन थ्रू लाइक एनीथिंग, एंड यहाँ तक पहुंचना इज लाइक मैं सोच भी नहीं सकता रहा यार। लाइक दिस, आज जो चीजें हम लोगों ने लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी ना, वो चीजें हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। आई एम हैप्पी यार, मैं रो नहीं रहा हूँ। ऑनेस्टली ये बाइक ना इमोशन है यार, लोगों को पता है कि ये बाइक इमोशन है। एको हैज बीन ऑलवेज अ इमोशन फॉर मी। जब 4 साल पहले शुरू करा था ना, बैंक में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी KTM में फ्यूल अप करा सकता था। गाइस, आई नेवर थॉट कि हम लोग तक पहुंच पाएंगे। नंबर 4, तो हमारी अगली न्यूज है राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल के काफी सारे फैंस के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर राउंड टू हेल की वीडियोस इतनी लेट क्यों आती हैं। पहले तो राउंड टू हेल की वीडियो जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब इतनी लेट क्यों? तो इसका जवाब नाजिम भाई ने अभी रिसेंटली R2H के व्लॉगिंग चैनल पर अपलोड हुए एक व्लॉग वीडियो में दे दिया है। उन्होंने क्या कहा वो आप खुद देख लीजिए। और सेटअप जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब वीडियो काफ़ी जल्दी शूट हो सकती है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग के डेज में करते थे, जब बिना कैमरे के मोबाइल से करते थे, तो खड़ा करते थे, इसलिए स्टार्टिंग में वीडियो जल्दी आती थी। वैसे राउंड टू हेल की न्यू वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, हमारे लास्ट एक वायरल वीडियो के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें माता पिता अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। दरअसल उनके बेटे ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स लाकर 10वीं पास कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो पहले एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लड़का कितना ज्यादा लकी है। तो हाँ, ये लड़का लकी है, लेकिन आप नहीं हो। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो आपके पेरेंट्स आपके साथ सेलिब्रेट नहीं बल्कि ये करेंगे। तो ये थी आज की 5 तड़कती फड़कती YouTube न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम नीचे कमेंट कर देना। तो फिर से मिलूंगा आपसे तड़कती फड़कती YouTube न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।